नवगठित पंचायतों की प्रथम बैठक 1 फरवरी 2021 को निर्धारित की गई है। 1 फरवरी को ग्राम पंचायतों की होने वाली प्रथम बैठक में संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान या जिस ग्राम पंचायत में प्रधान का पद रिक्त रह गया है उस ग्राम पंचायत में संबंधित ग्राम पंचायत के उप प्रधान ग्राम पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। उपायुक्त किन्नौर हेमराज बैरवा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उपायुक्त कार्यालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रातः 10:45 पर बैठक बुलाई गई है, जबकि जिले की तीनों पंचायत समिति के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पूह व उप मंडलाधिकारी कल्पा तथा निचार को अधिकृत किया गया है। इन्हें संबंधित विकास खंड में 1 फरवरी 2021 से पूर्व पंचायत समिति सदस्यों को शपथ दिलानी होगी। हमारे किन्नौर जिले में पंचायत राज के जो चुनाव के नतीजे हैं आज सुबह तक 8 बजे तक पूर्ण रूप से डिक्लेयर किए जा चुके थे और मुझे खुशी है कि पूरी मतदान प्रक्रिया में सभी स्टेक होल्डर्स ने, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों, कैंडिडेट हों, हमारे स्टाफ हों, हमारे आरओज हों, एआरओज हों, सब ने जो अपनी जिम्मेदारी थी उसको बखूबी निभाई है और जो मतदान है उसको, पूरी प्रक्रिया को एक पारदर्शी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया है। अब इसके बाद की प्रोसेस के अनुसार ओथ का प्रोग्राम होना है। सरकार ने 1 फरवरी फर्स्ट मीटिंग की तारीख तय की है और नियमानुसार 1 हफ्ते के अंदर, जब भी नतीजे डिक्लेयर होते हैं इसके विद इन अ वीक हमें ओथ का प्रोग्राम फिक्स करना होता है। उस हिसाब से हमने जिला परिषद के लिए ओथ की डेट फिक्स कर दी है। हम उसके लिए सेपरेटली नोटिस भी सारे इलेक्टेड मेंबर्स को दे रहे हैं। उसी तरीके से हमारे जो एसडीएम्स हैं उनको हमने ऑथराइज़ किया है पंचायत समिति मेंबर्स के लिए, वही प्रधान की ओथ दिलाएंगे और प्रधान फिर वार्ड मेंबर्स के लिए ओथ दिलाएंगे। जहाँ प्रधान नहीं है उस जगह उप प्रधान ओथ दिलाएंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन के 10 दिन के भीतर भीतर हमें चेयरमैन वाइस चेयरमैन के लिए भी कार्रवाई शुरू करनी है। तो आगामी कार्रवाई जैसा नियम इलेक्शन के, पंचायत राज इलेक्शन रूल्स कहते हैं, उसके हिसाब से हम कार्रवाई अमल में लाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये जो बाकी प्रोसेस है और वो भी हम ठीक तरीके से निपटाएंगे और जो नई निर्वाचित अलग अलग ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद हैं वो अपना कार्य धीरे से पकड़ेंगी और एक धीरे धीरे करके रफ्तार पकड़ के अपने जो सुचारू रूप से जो विकास कार्य हैं उनकी तरफ फोकस करना शुरू कर देंगे। जो ओथ की तारीख और समय है वो जिला परिषद के सदस्यों के लिए हमने फिक्स किया है 27 तारीख 10:45 यहीं हमारा डीसी ऑफिस कॉन्फ्रेंस हॉल में। तो उसके लिए हम सेपरेटली नोटिस भी जारी कर रहे हैं और वैसे ही रिस्पेक्टिव एसडीएम्स पंचायत समिति मेंबर्स के लिए अपने सहूलियत के हिसाब से तारीख फिक्स करेंगे, लेकिन वो विद इन अ वीक होनी चाहिए। वो प्रोग्राम होने के बाद फिर हम चेयरमैन वाइस चेयरमैन के लिए जो अगली मीटिंग की तारीख है वो तय करेंगे। किन्नौर से सुरेंद्र चौहान की रिपोर्ट।